देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा यानी यू कहिए गोल्ड लुटेरा वो भी कौन। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। स्पेशल स्टोरी में आज बात करेंगे सबसे बड़ा सोना लुटेरे के बारे में जो जेल से षड्यंत्र रचता है और करोड़ों का सोना लूट लेता है, लेकिन उसका भी एक असूल है कि किसी को लूट के दरमियान गोली न मारी जाए। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करेंगे और नाम भी बताएंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार में सोना लूट कांड लगातार बढ़ते जा रहा है और सभी के जहन में है कि वो सोना लुटेरा है कौन जो पुलिस के हत्थे नहीं आया था। देखिए, और जिस समय कुंदन कृष्णन थे पटना में, उस समय तांडव हुआ था और सबसे बड़ा सोना लुटेरा गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी हुई और बियोर जेल भेजा गया। नाम हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बिहार में सोना लूट कांड की चर्चा उस समय तेज हो गई जब एक नाम सामने आया और पटना के पासपोर्ट ऑफिस के पास पंचवटी ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया और दिन दहाड़े वहां लूट हुई, जिससे पूरे बिहार में हड़कंप मच गया, करोड़ों की सोना लूट हुई। उसके बाद से एक नाम चर्चा में आया, वह नाम था सुबोध सिंह। वह सुबोध सिंह कौन है जो लगातार सोना पर ही अपना निशाना बनाता है और पुलिस सामान को बरामद भी नहीं कर पाती है। ऐसा षड्यंत्र रचने वाला सुबोध सिंह कहा जाता है कि राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, इसके गुर के वहां काम करते हैं। आलम यही रहा कि 26 तारीख को पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी में भीषण डकैती होती है और नाम सामने आता है सुबोध सिंह का और बंगाल से कनेक्शन जुड़ी होने की बात भी सामने आती है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती, हालांकि इसमें गिरफ्तारी तो हो गई लेकिन सामान बरामद नहीं किया गया। सुबोध सिंह बियोर जेल में बंद, वहीं से षड्यंत्र रचता है और उसके गुर्गे घटना को अंजाम देने से पहले सोचते भी नहीं है। कहा जाता है जहां वो घटना को अंजाम देता है उससे पहले कई दिनों तक रेकी की जाती है, लुटेरे वहां जाकर पहले रहते हैं, उसके बाद से ही घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया जाता है। तनिष्क शोरूम में करोड़ों की सोना चांदी हीरे की लूट के बाद सुबोध सिंह का नाम सामने आता है, उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। देखिए, तनिष्क शोरूम से लूट से पहले सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का हत्या करने की साजिश भी रची गई थी, उसी के दरमियान यह सौदेबाजी बियोर जेल में बैठकर हुई कि क्या सुबोध सिंह को मिलेगा। तो सुबोध सिंह को पूर्णिया का तनिष्क शोरूम लूट के लिए दिया गया, जो बिट्टू सिंह थे वो ऑफर दिया और उसके बाद से सारा षड्यंत्र रचा गया जेल में। हालांकि सुबोध सिंह को बंगाल की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार का सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा सुबोध सिंह जेल में बंद रहते हुए घटना को अंजाम दे देता है और पुलिस हाथ पर हाथ रखी रह जाती है। खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस पहुंचती है। इनपुट और सोर्स ये भी कहते हैं कि एसटीएफ को कई बार भनक भी लगी है, जिससे लूट जैसी घटनाओं को बचाया गया, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में डकैती होती है और सुबोध सिंह का नाम सामने आता है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा सुबोध सिंह का नाम सामने आते ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी माफियाओं के अंदर खौफ मच जाता है।